दानिश के साथ मेरी खास मेमोरीज यही है कि वो बहुत काइंड हार्टेड था. काइंड हार्टेड एज इन हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग बहुत गरीब फैमिली से थे और हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बहुत से बार ऐसा होता था कि वो टाइम पे 2 रुपए मिलते थे. ठीक है, 2 रुपए मिलते थे इसके लिए रिसेस के लिए, तो रिफ्रेशमेंट के लिए जब 2 रुपए मिलते थे तो ऐसा होता था कि दानिश जो है खुद नहीं खाते हुए भी वो देखता था कि कोई बंदा अगर भूखा है, वो अगर उसका फ्रेंड नहीं खा पा रहा है या वो कुछ नहीं ले पा रहा है तो दानिश अपने लिए खरीदने से पहले उन लोगों के लिए खरीदता था, या अगर खुद भी कुछ खरीद लिया है और उसका दोस्त भूखा है तो वो जाके उनसे पहले चीजें शेयर करता था. इवन मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी बहुत आदत थी कि जब मम्मी हम लोगों को रेनकोट्स दिलाती थी ना तो मेरा रेनकोट फट जाता था. ठीक है, तो दानिश क्या करता था कि मेरा रेनकोट जब फट जाता था तो वो अपना रेनकोट निकाल कर मुझे देता था और मेरा फटा हुआ रेनकोट खुद रख लेता था, क्योंकि वो बोलता था कि तुम ये रख लो तो तुम भीगोगे नहीं और तुम्हारा तो बड़ा ही है तो मैं वो फटा हुआ भी पहन लूंगा, तो मैं वैसे ही छोटा हूँ तो मैं मुझे पूरा कवर हो जाएगा. तो इसकी जर्नी कभी भी स्टेबल नहीं थी, उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी जर्नी में और बहुत कुछ. मीन्स उसके बाद फिर वो उसका इंटरेस्ट इसमें चला गया, रैपिंग में. रैप के लिए भी वो अकेले रात रात भर जागता, बहुत कुछ करता था, अपने आप पर काफ़ी सारे मेकओवर किए, काफ़ी सारी चेंजेस, वो कभी स्टेप बैक नहीं हुआ. इवन मैंने देखा कि लोगों ने उसके ऊपर जब वो लोग उसको पागल बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे उसको, इतना टॉर्चर करते थे. एक सर्टन लेवल ऑफ एज से उसको बहुत टॉर्चर किया गया कि तू एक पागल है, तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से. ठीक है, तो वहाँ मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो या तो कुछ ऐसा अच्छा प्रोफेशन लो, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, अनसक्सेसफुल रह जाओगे. मगर दानिश को उन सब चीज़ों का कभी डर नहीं था, वो ये सब चीज़ें कभी उसने इन सब चीज़ों को उससे डरा नहीं. Back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z, back at it again with a new video, baby.